दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रवीना टंडन, फरहान खान और भारती सिंह के गंदे मजाक, जो कि उन्होंने बाइबल के पवित्र शब्द हालेलुया के बारे में कहा था, और हमारे साथ साथ बहुत सारे मसीहों ने आवाज़ उठाई। भारती सिंह ने कहा था कि पंजाब में हालेलुया का उच्चारण अलग तरीके से किया जाता है। ये हिले नहीं है, ये हिले पंजाब में तो ऐसे लिखते हैं। कैसे? हालेलुया। ये पंजाबी वर्ड ही नहीं है, ये कैसा लिखते हैं? इसलिए पंजाबी मसीह भाई बहनों ने इन तीनों के खिलाफ FIR कर दी। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किए गए, YouTube पर हजारों वीडियो बनाई गई और लोग उनके विरोध में पूरी तरह से आवाज़ उठाने लगे। TV पर, न्यूज़ आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में भी इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। इन तीनों के खिलाफ IPC की धारा 295A के तहत धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था, और क्योंकि मसीह समाज ने खुलकर और मिलकर इसका विरोध किया तो इंडिया TV की एक रिपोर्ट के अनुसार रवीना टंडन ने अब ओपनली आकर इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि हमारा लोगों को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हमारे इन बातों के द्वारा लोगों को ठेस पहुँची है तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो फाइनली रवीना टंडन ने माफ़ी मांग ली है, और अब देखना यह है कि फरहान खान और भारती सिंह, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मजाक बनाया था, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। धन्यवाद दोस्तों, यह सब आपकी एकता से संभव हो पाया है। हाँ, एक और बात जो आपको बतानी थी कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि मसीह बुलाए जाते हैं, अपने नाम के सामने मसीह लगाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में इन तीनों के लिए बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। ध्यान रखें कि हमें इनके समान कीचड़ में नहीं उतरना है। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से विरोध करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल भी बाइबल पर आधारित नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसलिए दोस्तों इन प्रकार की गलत बातों में ना पड़ें, विरोध करें, लेकिन विरोध उचित प्रकार से करें। तो साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर करें, आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी।